नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना का तारीखी विरसा अजीम है। भारत जागृति सदर के कविता की खिदमात नाकाबिले फरामोश। तेलंगाना की तारीख पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजराई तकरीब से केसीआर का। लीज पर चलाए जाने वाले महावीर हॉस्पिटल की अराजी को हुकूमत ने किया हॉस्पिटल के लिए अलर्ट। रियासती उजरा मोहम्मद महमद अली और श्रीनिवास यादव ने महावीर हॉस्पिटल के दस्तावेजात किए चेयरमैन के हवाले। वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा की यादगार के कामों का किया मुआयना। अहदेदारों को कामों पर तेजी पैदा करने की दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप वन इम्तिहान का इनेकाद। रियासत भर में 994 मराकज पर बेक वक्त इम्तिहान। मराकज पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। असेंबली इंतखाबात में कोत्तागुड़म से मुकाबले के लिए तैयार हूं। डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव का ऐलान। तेलंगाना के कई अजला में दर्ज हरारत में इजाफा। एपी में एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज। कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने का मामला। वजीर खारजा जयशंकर ने अपने कैनेडियन हममनसब से की बातचीत। तलबा को मिली राहत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि तेलंगाना का तारीखी विरसा अजीम है और तेलंगाना करोड़ों साल की तारीख का गवाह है। हमारे लिए फख्र की बात है कि रियासत में तकरीबन 20 मिलियन साल पहले की तारीखी निशानात मौजूद हैं। इस सिमत में जो काम किया गया है वो काबिले सताइश है। वज़ीरे आला के सिया ने आने वाले नस्लों को तेलंगाना की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए भारत जागृति तंजीम के जरिए शाया करदा तेलंगाना की तारीखी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजरा अंजाम दिया। भारत जागृति शोबे ने तेलंगाना के कई तारीखी मकामात का गुज़िश्ता 6 सालों से दौरा किया है, जिसकी क़ियादत मुसन्निफ श्री रामाराजू हरिगोपाल कर रहे हैं। फील्ड रिसर्च में जमा की गई मालूमात को एम हरिकृष्णा और वी मुरली कृष्णा की इदाराजात में किताबों के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने वज़ीरे आला को बताया कि उन्होंने तारीख लिखने के लिए मुतालिका जगहों पर मौजूद फोरसेल इमारतों सिक्के और सहाफियों समेत तमाम किस्म के तारीखी शवायद का मुतालिया किया है। इस मौके पर वज़ीरे आला के सियान ने कहा कि हम सब के लिए फख्र की बात है कि रियासत में 20 मिलियन साल से ज्यादा कदीम तारीखी निशानात दस्तियाब हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम समाजी हालात इंतजामी तरीकों और इस दौर के विजन को समझें तो वो हमें आने वाले कल का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी की तारीख को समझकर, हाल को समझकर मुस्तकबिल की राह हमवार की जा सकती है। बाद अज़ां वज़ीरे आला के सियान ने जागृति तारीखी शोबे के अहदेदारों के साथ तंजीम की सदर MLC कविता को भी मुबारकबाद दी है। हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ महावीर हॉस्पिटल में मुनाक़िदा एक प्रोग्राम में हॉस्पिटल की अराजी जो कि सरकारी लीज पर दी गई अराजी पर चलाया जा रहा था, महावीर हॉस्पिटल को अलर्ट की गई है। इस मौके पर वज़ीरे दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफज़ाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने हुकूमत की तरफ से जारी करदा दस्तावेज को वज़ीरे आला की हिदायत पर हॉस्पिटल के चेयरमैन महेंद्र रागा जी, वाइस चेयरमैन सुशील कबाड़िया के हवाले किया। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान प्रभाकर राव, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के BRS इंचार्ज टी साई किरण यादव, हॉस्पिटल के चेयरमैन महेंद्र राजा और वाइस चेयरमैन सुशील कबाड़िया, सुनील और मोतीलाल आशा, गश्तीलाल जैन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीरे दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीरे अफज़ाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने महावीर हॉस्पिटल की तरफ से गरीबों को भी फराहम की जाने वाली खदमात की सताइश की। वज़ीर इमारत व शवराए विमला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा की यादगार के कामों का मुआयना किया, जिसे रियासती हुकूमत हुसैन सागर के किनारे तामीर कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों के साथ महकमा R&B के जेर एहतमाम नीम्स हॉस्पिटल की इमारत के संग बुनियाद रखने के इंतजाम का मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने वज़ीर मौसूफ को लुमड़ी पार्क और ट्रैफिक आईलैंड के अतराफ लैंडस्केप और सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के कामों का भी मुआयना किया।
फाउंडर मेंबर व साबिक रियासती सेक्रेटरी बीआरएस ई हरी बाबू यादव की जानिब से मुशीराबाद में वाक़ एक मीनार मस्जिद से आज अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक की रवानगी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खसूसी शिरकत करके अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया। इस मौके पर बीआरएस रुकन पार्लियमान जहीराबाद बीबी पाटिल, रुकन असम्बली मुशीराबाद एम गोपाल यादव, रुकन असम्बली शादनगर अंजैया यादव और एम जय सिमा बीआरएस यूथ लीडर के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। आज मशीराबाद के एक सरपोटर हरी बाबू साहब ने अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ रवाना कर रहे हैं। ख़ास तौर से अजमेर पर जाकर जो भी मन्नत करते हैं हमेशा पूरी होती है। ये हमारा नहीं, सारे हिंदुस्तान के आवाम का इत्मीनान है। और उस वक्त दुआ किए थे कि या गरीब नवाज, आप सारे दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं और आप हमारे तेलंगाना में बहुत जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ दिलाइए और हमारा तेलंगाना अलहदा करने की हम जो पार्टी बनाएं उसमें हमें कामयाब अता करें। तो इस हर साल ख़ास तौर से हमारे तेलंगाना के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज यहां पर हमारे मुकामी जो MLA मोटा गोपाल साहब और हमारे शादनगर MLA अंजिया साहब और ख़ास तौर से हमारे भाई बहुत अच्छे इंसान है बीबी पाटिल साहब, वैसे तो सभी लोग अच्छे हैं मगर बहुत घुल मिल के सारे लोगों होंगे। आज जो हमारे यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में जो हुकूमत चल रही है इसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है और हमेशा हर साल हम यहाँ से गिलाफ मुबारक भिजाते हैं, हुकूमत से भी भिजाते हैं। और CM साहब ने ख़ास तौर से वहाँ पर एक रुबात बनाने के लिए एक एकड़ ज़मीन खरीदी है जिसके पैसे हुकूमत को 2.5 करोड़ रुपये बन चुके हैं। परमिशन भी आ चुका है, खाली हमें जाकर रिसीव करना है। इंशाल्लाह और 1-2 महीने के अंदर वहाँ पर फाउंडेशन डाला जाएगा। वहाँ CM साहब की तरफ से एक रुबात का ख्याम अमल में लाया जा रहा है ताकि जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं वहाँ फ्री ख्याम कर सके, वहाँ ज्यारत कर सके, अच्छी से अच्छी सहूलत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आज ख़ास तौर से BRS पार्टी की जीत के लिए दुआ की और इन आने वाले वक्त भी हम 100 से ज़्यादा MLA जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे CM साहब जो BRS पार्टी बना है उसकी वजह यह है कि सारे हिंदुस्तान के लोग हमारे पाटिल साहब के ज़रिए महाराष्ट्र के तो खास तौर से लोग आकर बार बार CM साहब से मिल रहे हैं। साहब आपका तेलंगाना देखने के बाद हम बहुत तो फील कर रहे हैं, हमारी स्टेट में कोई स्कीम्स नहीं है, कोई तरक्की नहीं, आप आइए आगे बढ़िए, हम आपका साथ देना चाहते हैं। आज अल्लाह के फल से BRS पार्टी की शोहरत सारे हिंदुस्तान में तेज़ी से फैल रही है। आज गिड़गिड़ा कर दुआ की गई है कि BRS पार्टी को तरक्की दे और इस तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी मिजाज से फिर से हमारी हुकूमत बने। आज तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में नंबर वन है और उसी तरह हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान में नंबर वन चीफ मिनिस्टर है। अल्लाह ताला उसी तरह उन्हें कायम रखे, उन्हें तरक्की दे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का इम्तिहान आज मुनाकिद हुआ। कमीशन जिसने गुज़िश्ता साल पर्चे के लीक होने के सबब इस इम्तिहान को मनसूख कर दिया था ने आज दोबारा इम्तिहान मुनाकिद किया। इस सिलसिले में खसूसी इंतजाम किए गए थे, पुलिस ने इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज कर दी थी। गुज़िश्ता इम्तिहानात को जहन में रखते हुए अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए वसई इंतजाम किए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकज पर बेक वक्त मुनाकिद हुआ। उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद, तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना जरूरी करार दिया गया था। ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को जूतों के बजाय सिर्फ चहल पहल कर चप्पल पहनकर इम्तिहानी मरकज पहुंचने की हिदायत दी गई थी। डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव ने सियासत में दाखिले के बारे में वजाहत करते हुए ऐलान किया कि वो जारिया साल के और आखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में कोत्तागुड़म असम्बली हलके से मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो हुक्मरान जमात BRS से अपनी उम्मीदवारी के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। राव कुछ अरसे से इस असम्बली हलके में सरगर्म हैं, वो तरह तरह की सरगर्मियां इस हलके से अंजाम देते हुए मुकामी अवाम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास
श्रीनिवास राव ने मुफ्त तिब्बी खिदमात के जरिए अवाम तक रसाई भी हर तवज्जे पर कुस की है। साथ ही उन्होंने जीएसआर ट्रस्ट के जरिए कई सरगर्मियां भी अंजाम दी हैं। चूंकि रियासती असम्बली के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, उन्होंने इन इंतखाबात में मुकाबले के लिए अपनी तैयारी की तस्दीक की है। हज 2023 के लिए तेलंगाना से आजमीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनाचे आज तलबिया की गूंज में आजमीन हज का 11वां काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ है। हैदराबाद शहर के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आजमीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। कबल अंजी रियासती हज कमेटी की जानिब से तमाम आजमीन हज का हज हाउस डिपार्चर हॉल में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उलमाए इकराम ने आजमीन हज से खिताब किया और मुमलिकत सऊदी अरब में हज के सफर के दौरान लॉजिस्टिक से मुतालिक अहम मालूमात दी। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी अरकान सैयद निजामुद्दीन इरफान उल हज एईओ तेलंगाना हज कमेटी इरफान शरीफ और दीगर मौजूद थे। निर्मल जिले बीआरएस सदर रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने मधोल मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने तरुडा देहात में 3 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले किसानों को खेतों में जाने के लिए सड़क की तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर एमपीपी आयशा अफरोज खान, जेडपीटीसी सुरेंद्र रेड्डी, साबिक जेडपीटीसी नरसा गौड़, मुकामी सरपंच एस रविकरण, एमपीटीसी गंगाधर के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इंचार्ज सैयद खतबद्दीन नदवी की हिदायत पर ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम के जेर अहतमाम अनबरपेट के अहमद नगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली अनबरपेट के वेंकटेश ने मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया प्याम ई इंसानियत फोरम के जेर अहतमाम मेडिकल कैंप की सताइश की। उन्होंने कहा कि अनबरपेट हल्के में जो भी मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगे इन्हें इनका तावुन हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत काबिल तारीफ हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद प्रोग्राम मुनाकद किए जाएंगे। एमएलए कालेरूक ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हर रोज फूड डोनेशन प्रोग्राम मुनाकद किया जाता है। जो भी अभी तक अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा गरीबों के लिए मेडिकल कैंप्स लगा रहे और खाना खिला रहे, पेशेंट्स को न्यूट्रिशन भी दे रहे, दे आर गिविंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ऐसा फोरम कोई भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे। आई ऑल्सो अप्रिशिएट, लोगों को पूरा मदद करता हूँ। आगे भी ऐसा सर्विस करने में हमारा पार्टी का, हमारा कैडर का पूरा सपोर्ट रहेंगे। नाजी मदरसा फैजान आयशा खारी अब्दुल वाहिद रिजवी यूसुफ नगर बोराबंडा ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल में मैंने एक बकरा खरीदा है। मैंने कुछ दिन पहले बाद गौर किया तो बकरे के जिस्म पर एक जानिब अल्लाह और दूसरी जानिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिया, जिस पर मैंने मुकामी उलमाए इकराम से रुजू हुआ, जिसके बाद इन सब ने इसकी तस्दीक भी की है। जिले निर्मल के खानापुर मंडल में तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई है। हुकाम ने तेज हवाओं के चलने के साथ ही बिजली की सप्लाई रोक दी। इस अचानक शदीद बारिश के सबब अजनास की खरीदारी के मरकज पर भी लाई गई अजनास गीली हो गई। इस वाके पर किसानों ने बादिन करती सरजापुर रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया। उन्होंने गीली अनाज खरीदने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मरकज पर लारियां भेजे और गीली अजनास की खरीदारी को यकीनी बनाए।
आंध्र प्रदेश के वजीर सयाद रोजा की सेहत खराब हो गई है। वो फिलहाल चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। पैर में शदीद तकलीफ पर वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से फिजियोथेरेपी कर रही थी, तहम दर्द में कोई फर्क नहीं हुआ, जिस पर इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पैर में तकलीफ होने के सबब वो गुज़िश्ता 10 दिनों से अपने हल्के निगरी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और सरगर्मियों से दूर थी। हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के ज़राए ने यह बात बताई। डॉक्टर्स के मुताबिक रोजा की सेहत मुस्तहकम है। जिले वरंगल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की खातून कांस्टेबल ने अपनी चौकसी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक मुसाफिर की जान बचाई, जो चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। ये वाकया वरंगल स्टेशन पर उस वक्त पेश आया जब भद्राचलम से सिकंदराबाद जाने वाली मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन कल शब पहुंची थी। जराये के मुताबिक खातून मुसाफिर तेजी के साथ चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, तहम वो अपनी इस कोशिश के दौरान प्लेटफार्म पर गिर पड़ी। इसका हाथ डोर हैंडल में फंस गया और कुछ फासले तक ट्रेन इसको घसीटते हुए ले गई। इस पर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए खातून कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त सोनाली के तौर पर की गई है, इस मुसाफिर के पास पहुंची और इसको बचाने के लिए इसके पैर को खींचने लगी और इसको जान के खतरे से सूरत हाल से बचाने में कामयाबी हासिल की। अहदेदारों ने खातून कांस्टेबल की चौकसी और फराइज की बेहतर तौर पर अंजामदही पर सोनाली की सताइश की। आंध्र प्रदेश के एलुरु में रेलवे टेक्निकल वैगन में बड़े पैमाने पर आग लगी, जिससे ट्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा। ये वाकया एलुरु रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे स्टाफ और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में अमवात होने से रोका जा सका है। जराये के मुताबिक इस वैगन का इस्तेमाल ट्रक की मरम्मत के लिए किया जाता है और इसमें पकवान की अशिया और तेल के डब्बे थे। ये आग उस वक्त लगी जब कुछ प्लेटफार्म पर ठहरा हुआ था। इसमें धुआं देखकर चौकस स्टाफ ने स्टेशन के अहदेदारों को फौरी तौर पर मालूम किया, जिसके बाद इस वैगन को प्लेटफार्म से हटा दिया गया और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। और इस वैगन में तेल होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई, जिससे कूच का तकरीबन 50% हिस्सा जलकर खाकसर हो गया। रेलवे के अहदेदारों ने इसकी जाँच शुरू कर दी ताकि आग लगने की वजह मालूम की जा सके। बीवी के घर आने से इनकार पर शौहर ने बीवी और सास का कत्ल कर दिया। यह दिल दहलाने वाली वारदात आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल पापुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले महादेवी ने कर्नाटक के टेकलीकोट्टा से ताल्लुक रखने वाले रमेश से 2 माह पहले शादी की थी। शादी के बावजूद शौहर के साथ चलने से इनकार पर रमेश ने बरहमी के आलम में कल रात ससुराल पहुंचकर बीवी पर हमला कर दिया। इसने मजाहिमत करने वाली सास पर भी हमला कर दिया। यह हमला इतना शदीद था कि दोनों माँ और बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। इस वारदात के बाद रमेश फौरी तौर पर फरार हो गया। महादेवी की मां VRA के तौर पर काम करती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मफरूर रमेश की तलाशी सरगर्मी के साथ शुरू कर दी। चोरों ने पुलिस की गाड़ी की चोरी कर ली। यह वारदात AP के जिले चित्तौर के प्रीलिम्स में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हॉस्पिटल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ऑफिस के सामने ठहरी गई गाड़ी कल रात चोरी कर ली गई। कॉन्ट्रैक्ट तरीकेकार के मुताबिक प्राइवेट गाड़ी को अहदेदारों ने हासिल किया था और दफ्तर के सामने इसको ठहराया था। तहम कल रात तकरीबन 1 बजे चोरों ने इसके दरवाजे का खुफल तोड़कर इस गाड़ी की चोरी कर ली। सुबह में गाड़ी की अदम मौजूदगी पर अहदेदारों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और दफ्तर के बाहर लगे CCTV कैमरों में चोरों की वारदात का फुटेज कैद हो गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल शब बारिश के बावजूद आज भी शदीद गर्मी देखी गई। कई मुकामात पर दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। जनूबी मगरिब मानसून की आमद में ताखिर के सबब रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत में इसी तरह की सूरत हाल की बरकरारी का इम्कान है। रियासत के शुमाल मशरक अजला के लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। रियासत के 12 अजला में शदीद गर्मी की पेशकयासी की गई है। साथ ही रियासत के बाद अजला में कहीं कहीं बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह से AP में भी एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्ज हरारत में गिरावट
गिरावट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक मैनम जिले के सेलोर में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। काकीनाडा जिले के बाज मंडलों में भी दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। इसी दौरान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली साहिल एपी यानम और जुनूबी साहिली एपी में शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि समुद्री तूफान ने शुमाली बहरिया अरब की तरफ पेशकदमी की है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि अजला चित्तौर तिरुपति अनामिया सत्यासाई और रायलसीमा के दिगर हिस्सों में मौसम बरसात से पहले बारिश का इम्कान है। कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में मुकीम तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने के मामले में अमली नुक्ते नजर और इंसानी हसासियत की बुनियाद पर बढ़ने का यकीन दिलाया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन के जराये ने यह मामला कैनेडियन हुकाम के साथ मुसलसल उठा रहा है। वजीर खारजा अजय शंकर ने भी इस मामले पर अपने कैनेडियन हम मनसब से बातचीत की। जराये ने बताया कि मामला वजारत खारजा में सेक्रेटरी मुशरिक सौरभ कुमार ने साल अप्रैल में अपने कनाडा के दौरे के दौरान उठाया था। टोरंटो में इंडियन कौंसुलेट में हिंदुस्तानी तलबा के एक ग्रुप ने इनसे मुलाकात की थी। जराये का कहना है कि कैनेडियन हुकाम से इंसाफ करने और इंसानी रवैये अपनाने का अपील की गई है क्योंकि तालिब इल्मों की गलती नहीं थी। ये भी बताया गया है कि कैनेडा की इंतजामिया की कुछ कोताहियों पर और लापरवाही की वजह से तलबा को वीजे मिल गए और इन्हें कैनेडा में दाखिले की इजाजत भी मिल गई। जराये के मुताबिक इसके बाद से कैनेडा की सियासी जमातें और इनके अराकीन पार्लियामेंट तलबा की हिमायत में बात की है। मुल्क में इमिग्रेशन के वजीर शान ने इशारा दिया है कि कैनेडा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने वाले बैरन खामी तलबा के लिए सरगर्मी के साथ एक हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी तलबा के साथ मुसनिफाना सलूक करने की जरूरत को तस्लीम किया है। हाल ही में कुछ तलबा को इनके अखराज के नोटिस पर भी हुक्म इम्तनाई मौसूल हुआ है। मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तंजीम के महाजन संपर्क अभियान के तहत आज अजमेर में स्वच्छ भारत मिशन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अवामी नुमाइंदों और रेलवे हुकाम ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम चलाई है। अजमेर के एमपी भागीरथा चौधरी और बीजेपी सिटी सदर रमेश सोनी की क्यादत में अजमेर रेलवे के अफसरान और बीजेपी के कारकुनों ने सबसे पहले सफाई का हलफ लिया। इसके बाद गांधी भवन के सामने रेलवे स्टेशन के अहाते में सभी ने झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। हलफ में कहा गया है कि दुनिया में मुल्क इसलिए साफ नजर आते हैं कि वहां के शहरी गंदगी नहीं करते हैं। आज से गांव-गांव, गली-गली, खानदान मोहल्ले काम की जगह पर सफाई रखूंगा। सफाई के काम में अपना किरदार अदा करते हुए एमपी चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन वजीर आजम मोदी का मिशन है जिसे हम सबको पूरा करना है। एमएलए वासुदेव देवानानी, एमएलए अनिता भुदेल, साबिक सदर सरबराही सरिता गीना और साबिक मेयर धर्मेंद्र गहलोत, साबिक सिटी सदर अरविंद यादव समेत तमाम अहदेदार और मुलाजमीन मौजूद थे। इस दौरान सफाई के लिए झाड़ू, दस्ताने और दीगर तमाम जराए बिल्कुल नए इस्तेमाल किए गए। मारूफ अदाकार मंगल धवन का आज इंतकाल हो गया। मंगल धवन तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वह गुज़िश्ता एक माह से लुधियाना के कैंसर हॉस्पिटल में जेर इलाज थे लेकिन इनकी हालत मुसलसल बिगड़ती रही और 11 जून को इनका इंतकाल हो गया। मंगल धवन की पैदाइश पंजाब के जिले के करीब वांडा जटाना गांव में हुई। मंगल धवन की गांव की सरकारी स्कूल से चौथी जमात तक तालीम मुकम्मल की थी। इसके बाद वो मजीद तालीम के लिए उत्तर प्रदेश आ गए थे। यहां उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के नघासन में जिले परिषद हाई स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद वो वापस पंजाब लौट गए जहां उन्होंने आला सानवी तालीम कोट कपुरा से मुकम्मल की। उन्होंने मख्तसर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मंगल धवन ने अपनी अदाकारी करियर का आगाज दिल्ली में थिएटर से किया। इसके बाद उन्होंने 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के शोबे इंडियन थिएटर में शमूलियत अख्तियार की। मंगल धवन ने 1980 में अदाकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज त्राल कश्मीर के छत्रगाम और मंगामा इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि त्राल में बिजली की अबतर सूरत हाल है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मिनी सेक्रेटरी का
काम भी नामुकम्मल है जिस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। मौसूफ ने इलाके में रुके पड़े तमाम तामीराती कामों पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। सरकारी जराये ने बताया कि मुगल रोड पर रताचब ब्रिज के नजदीक इतवार की सुबह एक भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराया जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। उन्होंने बताया कि रोड को खोलने के लिए अफरादी खुवत और मिशनरी को काम पर लगा दिया गया है, तहम ट्रैफिक को बहाल करने में काफी वक्त लग सकता है। दरे असना वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल हसबे मामूल रही। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू के भवानी नगर तालाब तलु इलाके में पुलिस ने जिस्म परोशी के गड्ढे पर छापा मार कार्रवाई के दौरान चार अफराद को सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। पुलिस जराये ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की निगरानी में एसएचओ नौआबाद पुलिस स्टेशन सुरेंद्र रैना की क्यादत में पुलिस ने भवानी नगर इलाके में जिस्म परोशी के एक अड्डे पर छापा मारा। वहां पर रेणु गुप्ता उर्फ रानी जोजा जगदीश राज गुप्ता नामी खातून को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ शुरू की है। उन्होंने बताया कि रेणु गुप्ता नामी खातून के खिलाफ पहले ही कई मुकदमा दर्ज हैं। मालूम हुआ है कि पूछताछ के बाद पुलिस ने जिस्म फरोशी में मुलविस मजीद तीन मुलजिमान की शनाख्त की है और गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस जराये ने बताया कि तहसीलदार की मौजूदगी में जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा डाला है। पुलिस ने मामले की निस्बत से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। हम आपको बता दें कि पिछले दो महीनों के दौरान श्रीनगर और जम्मू में पुलिस ने कई जिस्म फरोशी के अड्डों को बेनकाब किया है। जापान की वजारत दिफा ने इतवार को शुमाली कोरिया के मिसाइलों को तबाह करने के हुक्मनामे में खिते को लाहक खतरे के पेश नजर आयन गैर मुयना मुद्दत के लिए तौसी का ऐलान किया है। एक बयान में वजारत ने कहा कि इस साल 29 मई को बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के इकदाम शुरू करने का हुक्मनामा आर्जी तौर पर 11 जून को दिया गया था, अब ये मुद्दत गैर मुयाना मुद्दत तक बढ़ा दी जाएगी। कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी ने 31 मई को इतला दी थी कि शुमाली कोरिया के नेशनल एरो स्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने चोलिमा 1 कैरियर रॉकेट पर नज्ब मेलेगॉन 1 फौजी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था जो नाकाम हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले मरहले की रहदगी के बाद दूसरे मरहले का इंजन चलने में नाकाम हो गया जिसके बायस रॉकेट जोर खोकर जर्द जमीन पर जा गिरा। जापान ने जापान की सलामती के लिए शुमाली कोरिया के इकदाम की मजम्मत करते हुए बीजिंग में सिफारती जराये से शुमाली कोरिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इसके बाद बैन अवी मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक करारदाद पेश की है जिसमें शुमाली कोरिया के मिजाइल तजुर्बे को बैन अवी जहाज रानी की हिफाजत के लिए संगीन खतरा करार दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके फ्रांसीसी हममनसब एमानुएल मैक्रोन दोनों तरफा ताल्लुकात को मजीद वसत देने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया है। ईरानी सदर के दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने डेढ़ घंटे तक फोन पर बातचीत की। उन्होंने ताजा तरीन इलाकाई पेशरफत और ईरानी और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी माहदे की बहाली और ईरान पर से पाबंदियां हटाने पर तबादले ख्याल किया। रईसी ने ईरान के अंदरूनी मामलों में मदाखलत से बचने और मुल्क की कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। यूक्रेन में जारी तनाजे के तनाजुर में उन्होंने सिफारतकारी को इस मसले का बेहतरीन हल करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान यूक्रेन के बहरान के हल का हिस्सा है और इसे इस मसले पर ज्यादा नुमाया किरदार अदा करना चाहिए। मुतहदा अरब इमारात के सदर अल शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल निहान हफ्ते के रोज तुर्किया के एक रोजा वर्किंग दौरे पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान वो बरादर मुल्क तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जामा इक्तिसादी शिरकतदारी को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। इमारत की सरकारी प्रेस एजेंसी वाम ने बताया कि अल शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल निहान का हवाई अड्डे पर पहुंचने पर तुर्क सदर
रजब तैयब अर्दोगान के अलावा तुर्क वजीर खाजा और मुतअद्दिद उज़रा और आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के दौरे के दौरान अल शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल निहान के हमरा एक आला इख्तियारती वफद भी शामिल है। तुर्किया के इस खसूसी दौरे में मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही दीवान के खसूसी उमूर के मुशीर अल शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद ताउन अल निहान के अलावा मुल्क के सदर के मुशीर अल शेख सुल्तान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल शामसी, वजीर सनत व टेक्नोलॉजी डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जाबर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक और 145 जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान बारिश के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाबाख जबकि 145 जख्मी हुए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने कहा कि तेज आंधी और तूफानी बारिशों से अब तक 25 अफराद जाबाख हुए हैं जबकि 145 जख्मी हुए हैं। 69 घरों को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ने आंधी और तूफान के बायस जाबाख होने वाले अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वाकयात में घरों की छतें और दीवारें मुनदिम हो गई हैं जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से मरम्मत और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी रिलीफ अब्दुल बासित ने PDMA के कंट्रोल रूम का दौरा किया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना का तारीख विरसा अजीम है। भारत जागृति सदर के कविता की खिदमात नाकाबिले फरामोश। तेलंगाना की तारीख पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजरा तकरीब से KCR का खिताब। लीज पर चलाए जाने वाले महावीर हॉस्पिटल की अराजी को हुकूमत ने किया हॉस्पिटल के लिए अलर्ट। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने महावीर हॉस्पिटल के दस्तावेजात किए चेयरमैन के हवाले। वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा की यादगार के कामों का किया मुआयना। अहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने की दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद। रियासत भर में 994 मराकज पर बे वक्त इम्तिहान। मराकज पर पुलिस का वसई तरबंदोबस्त। असेंबली इंतखाबात में कुतुबुद्दीन से मुकाबले के लिए तैयार हूं। डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव का ऐलान। तेलंगाना के कई अजला में दर्ज हरारत में इजाफा। AP में एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज। केरला में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने का मामला। वजीर ख्वाजा जयशंकर ने अपने कैनेडियन हममनसब से की बातचीत। तलबा को मिली राहत की सांस। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।